YouTube चैनल फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो क्लिप में हमने प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान हाफ साइकिल में और औसत मान पूरे साइकिल में देख लिया था। तो पूरे साइकिल में जो औसत मान था वो 0 था और हाफ साइकिल में औसत मान था 2i0/5। तो औसत मान हाफ साइकिल में था 2i0/5। आज हम इस पूरे प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती विभव का एक अलग मान निकालेंगे जिसको हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में RMS वैल्यू कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम यदि सबसे पहले इसके थीम में जाए तो यहां पर हमको पहले धारा अथवा विभव का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो अगर धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो रूट मीन स्क्वायर में ही हमको दिख रहा है, इसमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर आशा है कि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ यदि करंट का निकालना है तो अल्टरनेटिव करंट और पोटेंशियल का निकालना है तो अल्टरनेटिव पोटेंशियल। तो चाहे अल्टरनेटिव करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें चाहे अल्टरनेटिव पोटेंशियल का निकालें, दोनों को निकालने का तरीका यही है। तो किसी एक का निकाल लेते हैं उसी के अनुसार दूसरे का भी निकल जाएगा। तो पहले हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए हम अल्टरनेटिव करंट का जो इक्वेशन है या अल्टरनेटिव करंट समय के साथ जिस हिसाब से परिवर्तनशील होता है उसका इक्वेशन रखेंगे। तो उसका इक्वेशन होता है हम जानते हैं I=I0 sin ωt। यहां पर ओमेगा टी में ओमेगा कोणीय वेग है और टी क्या है समय है। तो कोणीय वेग और समय कोणीय वेग ओमेगा गुणे समय टी से गुणा करते हैं तो यह हमारा कोणीय विस्थापन थीटा बन जाता है। तो ये हमारा ओमेगा टी जो होता है एक तरह से कोणीय विस्थापन होता है और इसी को हम फेज भी कहते हैं कला भी कहते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा के मान को और प्रत्यावर्ती धारा के दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे इस एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा के मान को देखें तो एक साइकिल हमारा पूरा होता है एक आवर्तकाल यहां से लेकर के यहां तक एक आवर्तकाल इस तरह से पूरा होता है। एक आवर्तकाल में धारा का मान जिस तरह से परिवर्तन होता है उस तरह से हमको इस ग्राफ में दिखाया गया। प्रारंभ में धारा का मान 0 है उसके बाद आवर्तकाल के चौथाई समय T/4 में धारा का मान अधिकतम I0 है जिसको हम शिखर मान या पीक वैल्यू पिछले वीडियो क्लिप में देख चुके हैं। उसके बाद आवर्तकाल के आधे समय में T/2 में धारा का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। पुनः 3/4 आवर्तकाल में धारा का मान मैक्सिमम शिखर मान पर हो जाता है लेकिन उसकी दिशा क्या होती है अपोजिट जो होता है। और पुनः एक आवर्तकाल जब पूरा हो जाता है तो धारा का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसी तरह से दूसरे साइकिल में हम चलते हैं तो फिर 1/4 समय में धारा का मान अधिकतम फिर आधे समय में धारा का मान 0 फिर 3/4 समय में धारा का मान अधिकतम लेकिन विपरीत दिशा में और पुनः 2 आवर्तकाल जब पूरा हो जाता है धारा का मान 0 हो जाता है। तो हम इस जो धारा और समय में ग्राफ बना हुआ है इसको हम
ज्या वक्र कहते हैं, साइन वक्र कहते हैं, तो ये कौन सा वक्र है? साइन वक्र, यानी इस धारा का मान समय के साथ इस कला की साइन के हिसाब से परिवर्तनशील होता है। तो इसी धारा में समय के साथ जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन संबंधित जो इक्वेशन है, जो समीकरण है या जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू धारा का निकालेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि सबसे पहले इसमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मान का मतलब होता है कि रूट निकालेंगे किसका, मीन का, किसके मीन का, स्क्वायर के मीन का। अगर आरएमएस वैल्यू करंट का निकाल रहे हैं तो करंट के स्क्वायर का मीन निकाल करके उसका अंडर रूट कर लेंगे, वही हमारा आरएमएस वैल्यू हो जाता है। तो सबसे पहले हम करंट के स्क्वायर का मीन निकालेंगे, औसत निकालेंगे करंट के स्क्वायर का। तो करंट के स्क्वायर का औसत क्या हो जाता है? पहले तो आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। और पिछले वीडियो क्लिप में हमने बताया था कि जिसका औसत निकाला होता है उसको हम लिखते हैं, अगर आई का औसत निकाला होता है तो आई डी टी अपॉन डी टी करके हम समाकलन कर देते हैं। अगर पूरे आवर्तकाल के लिए निकालना है तो समय की लिमिट हो जाती है जीरो टू आवर्तकाल टी तक, और यहां भी जीरो टू आवर्तकाल टी तक। तो ये आई का औसत निकालना है, आई बार इक्वल टू इस तरह से हम लिखते हैं। अगर आई स्क्वायर का औसत निकालना हो तो हम यहां पर लिखेंगे आई स्क्वायर डी टी पूरे चक्र के लिए जीरो टू टी अपॉन इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी। ये करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी आई स्क्वायर का औसत। तो पहले हम आई स्क्वायर का औसत निकालेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एसी करंट निकालेंगे, उसके बाद उसका रूट निकाल करके हम आरएमएस वैल्यू को बता देंगे कि धारा प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस वैल्यू कितना होता है। आइए निकालते हैं आई स्क्वायर का एवरेज औसत मीन। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आई को लिखते हैं आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट को लिखते हैं आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ आई इक्वल टू क्या लिखते हैं आई स्क्वायर का एवरेज लेकर के इसको क्या करते हैं रूट निकाल देते हैं। इसका मतलब ये होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ आई का मतलब हुआ आई स्क्वायर का एवरेज मीन और उसको रूट निकाल लेंगे उसका, तो हमारा आई आरएमएस हो जाएगा। तो पहले हम आई स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं, तो इसको लिखते हैं सिंस आई स्क्वायर मीन इक्वल टू क्या हो जाता है इंटीग्रेशन जीरो टू टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी। ये आई स्क्वायर एवरेज का मतलब होता है। आई स्क्वायर एवरेज बराबर ये हो गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं इक्वल टू, क्योंकि i बराबर i जीरो साइन ओमेगा टी होता है तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर एवरेज इक्वल टू i की जगह लिख देते हैं i जीरो साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी जीरो टू टी अपॉन जीरो टू टी डी टी। ये हो गया। अब यहां से हो जाता है बराबर या इंप्लाइड, ये इंप्लाइड दैट होगा आई स्क्वायर एवरेज बराबर इंप्लाइड दैट आई स्क्वायर एवरेज बराबर ये इंटीग्रेशन जीरो टू टी आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन
जीरो टू टी डी जी हमारा आ गया। और यहां से हम लिखेंगे इंप्लाइड है आई स्क्वायर एवरेज बराबर जीरो टू टी आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिखेंगे वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू। आप जानते हैं इसको कि कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां से हो जाता है वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी लिख रहे हैं तो वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू, तो वही लिखे हम वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू। इंप्लाइज दैट आई स्क्वायर एवरेज बराबर। अब यहां से हम चूंकि इस किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का जो पीक वैल्यू होता है, जो शिखर मान होता है, वो कांस्टेंट होता है, तो आई जीरो यहां पर कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या हो जाता है आई जीरो स्क्वायर बाहर और हो गया इंटीग्रेशन जीरो टू टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन जीरो टू सॉरी अपॉन टू भी है जीरो टू टी डी। अब यही से हमारे पास हो जाता है इंप्लाइज दैट, फिर यह एक लाइन पढ़ाते हैं इंप्लाइज दैट आई बार स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर बार इक्वल टू ये टू को भी बाहर निकाल लेते हैं तो आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू बाहर निकल गए। अब ये हो जाता है जीरो टू टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी अपॉन जीरो टू टी डी टी इक्वल टू यह इंप्लाइज है आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी अपॉन, इसको हम हल कर लेते हैं, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो टी आएगा, टी को एक बार कैपिटल टी लिखेंगे एक बार जीरो लिखेंगे तो नीचे हो जाता है टी जीरो टू टी। और ये हो जाता है आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू और ये हो जाता है टी टू टी और यहां से हो जाता है इंटीग्रेशन जीरो टू टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी ये हो जाता है। तो अंत में हमारा आता है यहां से आता है इंप्लाइज है ये इंप्लाइज है आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी और ये हो जाता है उसको दो पार्ट में कर देते हैं जीरो टू टी वन डी टी और माइनस जीरो टू टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी और दोनों में हमारा ये गुणा है यहां से हो जाता है आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी और ये हो जाता है टी जीरो टू टी वन डी टी का टी जीरो टू टी लिमिट हो गया माइनस कॉस का साइन साइन टू ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा ये माइनस के साथ होगा क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है ये हो गया और यहां पर हो जाता है जीरो टू टी
ये इस तरह से कर लेते हैं इसको। अब यहां से हमारा जाता है आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी, और ये हो जाता है एक बार सॉरी टी रहेगा तो एक बार टी रखेंगे और एक बार जीरो रखेंगे हो जाता है, और यहां से हो जाता है प्लस साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, एक बार टी का मान जीरो रखेंगे एक बार टी का मान कैपिटल टी रखेंगे, ये पूरा इसका पूरे में पूरा है इसलिए इसको कैपिटल ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहां से जाता है आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी, और यहां से जाता है टी प्लस एक बार टी की जगह कैपिटल टी रखेंगे तो क्या हो जाता है साइन टू ओमेगा की जगह टू पाई बाय टी इंटू एक बार टी रखे और एक बार रखेंगे साइन टू इंटू टू पाई बाई टी इंटू जीरो, ये अपान सब क्या हो जाएगा टू ओमेगा, और इस सब के गुणे क्या हो जाएगा ये सब ब्रैकेट में आएगा सब के गुणे क्या हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर बाई टू टी। तो यहां से जाता है आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी इंटू टी प्लस, ये टी टी से कटता है साइन टू इंटू टू पाई साइन फोर पाई और साइन फोर पाई का मान जीरो होता है तो यहां से जीरो हो गया माइनस ये पूरा जीरो हो गया जीरो से गुणा करेंगे साइन जीरो हो गया तो साइन फोर पाई का मान भी जीरो होगा और साइन जीरो का मान भी जीरो होगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और तो क्या बच जाएगा जीरो। तो अंत में क्या आ जाता है आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी इंटू टी, टी टी से कट जाता है क्या बचता है आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू। अंत में क्या बन कहता है हमारे पास ये था आई ये यहां से आई स्क्वायर बार इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर बटा टू, और यहां से हम जानते हैं आई आर एम एस इक्वल टू सिंस आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर बार, तो ये हो जाता है इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर बार का मान मान है आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू, क्या हो जाता है यहां से आई जीरो अपॉन अंडर रूट टू, तो आई आर एम एस वैल्यू इक्वल टू आ जाता है आई जीरो अपॉन अंडर रूट टू, या कह लें कि आई आर एम एस इक्वल टू वन बाई अंडर रूट टू पीक वैल्यू ऑफ धारा का शिखर धारा का शिखर मान वन बाई अंडर रूट टू इंटू धारा का शिखर मान, ये यानी यदि धारा का शिखर मान आई जीरो है तो आई आर एमएस वैल्यू जो होगा वो आई जीरो बाई अंडर रूट टू होगा, यानी हमारे पास अब हो गया आई आर एम एस इक्वल टू आई जीरो बाई अंडर रूट टू, और आई जीरो क्या है धारा का शिखर मान है। इसी प्रकार वी आर एम एस इक्वल टू वी जीरो अपॉन अंडर रूट टू भी निकाल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में हमारा ऑमीटर अथवा वोल्टमीटर जो होता है वो धारा अथवा विभव के आरएमएस वैल्यू को मापता है, धारा अथवा
विभव के रूट आरएमएस वैल्यू आरएमएस मान को मापता है। यानी यदि किसी विभव का मान भी है तो यह भी जो होता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया होता है, और वास्तव में यह भी क्या होता है, भी आरएमएस वैल्यू होता है। यानी अगर वोल्ट मीटर विभवांतर को भी माप रहा होता है तो वास्तव में वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया जो भी होता है वो विभवांतर का आरएमएस वैल्यू होता है। तो हमारे भारत में सामान्यतः प्रत्यावर्ती विभव 220 वोल्ट प्रवाहित किया जाता है। यानी जो भी वोल्टेज हमारे घरों में सप्लाई होता है उसका मान 220 वोल्ट लिखा जाता है, या विभव मापी उसको 220 वोल्ट मापता है। यानी 220 वोल्ट जो होता है वो भी आरएमएस वैल्यू होता है। तो क्या लिखेंगे, सामान्यतः घरों में मापा गया विभवांतर या विभव प्रत्यावर्ती विभवांतर लिखे, मापा गया प्रत्यावर्ती विभवांतर 220 वोल्ट होता है, जो कि प्रत्यावर्ती विभव का आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस मान होता है। अतः भी आरएमएस इक्वल टू क्या होता है, 220 वोल्ट। यानी इसी को हम लिख सकते हैं भी जीरो अपॉन अंडर रूट टू, क्योंकि भी आरएमएस इक्वल टू क्या होता है, भी जीरो अपॉन अंडर रूट टू। तो यहां से जब भी जीरो इक्वल टू निकालते हैं तो 220 गुणे अंडर रूट टू करते हैं और इसका मान लगभग 331 वोल्ट आता है। यानी यदि 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे घर में होती है तो इसका मतलब होता है कि उस सप्लाई का अधिकतम मान 331 वोल्ट होता है, जो पॉजिटिव दिशा में एक बार 331 वोल्ट और निगेटिव दिशा में एक बार 331 वोल्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि घरों में 220 वोल्ट की बात हो रही है तो वो आरएमएस वैल्यू की बात हो रही है, और उसका उस प्रत्यावर्ती विभव का अधिकतम मान 331 वोल्ट होता है। जबकि अगर दिष्ट धारा 220 वोल्ट होती है तो उसका अधिकतम मान कितना होता है, 220 वोल्ट ही होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट है, उसका मान फिक्स होता है। तो यदि डीसी वोल्टेज 220 वोल्ट है और एसी वोल्टेज 220 वोल्ट है तो एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 331 तक हो सकता है, जबकि डीसी वोल्टेज का अधिकतम मान 220 वोल्ट होता है। तो समान वोल्टता की एसी और डीसी विभव में अगर हम चयन करें तो 220 वोल्ट एसी जो होता है वो अधिक खतरनाक होता है अपेक्षाकृत की 220 वोल्ट डीसी के, क्योंकि 220 वोल्ट एसी का अधिकतम मान 331 वोल्ट तक होता है। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि क्यों 220 वोल्ट एसी करंट जो होता है वो अधिक खतरनाक होता है अपेक्षाकृत की 220 वोल्ट डीसी के। तो आप यही बताएंगे कि 220 वोल्ट अगर एसी है तो वह एसी का आरएमएस वैल्यू है, प्रत्यावर्ती विभव का आरएमएस वैल्यू है, और उसका अधिकतम वैल्यू 331 यानी 220 इंटू अंडर रूट 2 के बराबर होता है, 331 वोल्ट के बराबर होता है। अतः 220 वोल्ट एसी का आशय होता है अधिकतम 331 वोल्ट, जबकि 220 वोल्ट डीसी का आशय होता है अधिकतम 220 वोल्ट। तो यहां पर प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है अपेक्षाकृत की डीसी धारा की। इस तरह से आज हम प्रत्यावर्ती धारा का रूट मीन स्क्वायर मान, वर्ग माध्य मूल मान को देखा, जिसका मान आई आर एम एस इक्वल टू
शिखर मान बटे अंडर रूट 2 होता है, और वी आर एम एस इक्वल टू वी के शिखर मान बटे अंडर रूट 2 होता है। और हमने देखा कि सेम विभव, सेम वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा और सेम वोल्टता की दिष्ट धारा में प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है जबकि दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो कोई पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही, एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।